देख रहे हैं पीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूं राजू दुबे। बिजली पोल से गिरे युवक की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाकर शव रखकर प्रदर्शन किया शुरू। हटा के रानी गांव में बिजली लाइन का कार्य करते समय पोल से नीचे गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गुरुवार देर रात हुए हादसे के बाद परिजन कालीचरण सोनी को सिविल अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से नाराज परिजनों से ने सुबह शव का पीएम कराने से मना कर दिया और हटा पन्ना मुख्य मार्ग पर सिविल अस्पताल गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों ने रनहे गांव में बिजली कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाकर जांच और मुआवजे सहित दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि मृतक बिजली विभाग में कोई पद पर नियुक्त नहीं है, बिना प्रशिक्षण के बावजूद इसके स्थानीय कर्मचारी उससे बेगारी कार्य करवाते थे और मामूली पैसे देकर उसे खतरनाक काम लेते थे। देर रात बड़ी लाइन के खम्भे पर कार्य कराया गया, जिसमें करंट लगने से कालीचरण सोनी की मौत हो गई। घटना से नाराज परिजन मृतक के बेटे को बिजली विभाग में नौकरी, उचित मुआवजा और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हो गया क्या बात? मेरे भाई को निरंजन और उनके साथी गंगाराम और राम घर से ले गए लाइट वाइट सुधरवाने के लिए, और उसको खम्भे पे चढ़ाया, वो उसको वहाँ करंट लग गया और मतलब वो वहाँ कम से कम एक डेढ़ घंटे पड़ा रहा। इन्हें नहीं मतलब दूसरों ने हमें खबर दी कि तुम्हारे भाई को करंट लग गया और इनकी ये लापरवाही है। और हमारी मांग ये है कि उनके दो बच्चे हैं हमारे भाई के, उनका भरण पोषण कौन करेगा? क्या लापरवाही है, किस तरीके से घटना? जी इनकी लापरवाही है पूरी, निरंजन साहब की और उनके साथियों की। यहाँ आप अस्पताल आए हैं, आप क्या चाहते हैं? कल शाम की बात है सर, कल शाम को 6:30 बजे के करीब जो हमारे मामा जी हैं, बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उनकी जान गई, उनके दो बच्चे हैं जिनका भरण पोषण दिया जाए, इनकी लापरवाही से हमारे मामा जी की जान गई है। जो कार्यकर्ता हैं निरंजन, इन लोगों ने इनसे काम करवाया और मौके पर मौत होने के 1.5-2 घंटे तक वो डरे रहे वहाँ पर, लापरवाही की इन लोगों ने, ना इलाज कराया ना अस्पताल ले गए, जिस वजह से इनकी जान गई है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हमें इनके बच्चों का भरण पोषण चाहिए और जुर्माना चाहिए इनका। और क्या मांग? कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज करेंगे हम इनके ऊपर। इनके ऊपर? निरंजन के ऊपर, MPV के ऊपर। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सोनी। ये हमारे मामा जी हैं जो शांत हो गए। थाना रनेज से अभी एक मामला आया है, ये कालीचरण पुत्तन सोनी है और इनका परिजनों का कहना ये है कि ये विद्युत विभाग वाले इनको ले जाके और बिजली विभाग उसमें पावर हाउस में काम करवा रहे थे। क्योंकि ये अप्रशिक्षित था, इसको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और इनके द्वारा उपेक्षा पूर्वक और सुरक्षा का लोप करते हुए कार्रवाई करवाई, जिससे कि ये घटना घटित हुई है और उनने समुचित इलाज का भी प्रयास नहीं किया है। इस संबंध में इन्हें ज्ञापन दिया है, माननीय तहसीलदार साहब ने उनका ज्ञापन लिया है, उनको समझा देकर उचित वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है और मामला जांच में मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। जो भी अग्रिम उसमें साक्ष्य आएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जी। अब जैसे कि इन लोगों ने चक्का जाम भी किया था और नहीं चक्का जाम नहीं, वो सांकेतिक को कर रहे थे, चक्का जाम का प्रयास उन्होंने किया था, पर उनको जब समझाया गया तो मान गए और जो घटना है ये दुखद है और इसमें निश्चित तौर पर जाँच करके और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।